वेलकम टू माय चैनल सुजू फूड एंड फन। आज हम मैगी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्नैक्स बनाने जा रहे हैं, जो कि है मैगी चीज पॉकेट्स। और ये बहुत ही यमी लगता है, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। और मैगी हमारा बचपन से ही फेवरेट रहा है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलिए सीखते हैं ये मसाला मैगी चीज पॉकेट्स कैसे बनाया जाए। ये फुल ऑफ वेजिटेबल्स है, तो इसे आप जरूर बनाएं और घर पर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि ये आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने में अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। बट इसके पहले हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा गर्म होने पर यहाँ पे मैंने अनियन चॉप करके रखा है, 1 अनियन 1 कैरेट और 1 कैप्सिकम रखा है, जिसे मैं इसमें पहले अनियन डाल देती हूँ। अनियन थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें हम कैरेट डाल देंगे। कैरेट को भी थोड़ा फ्राई कर ले, हल्का फ्राई कर दे, और इसके बाद इसमें हम कैप्सिकम डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें पीस यानी मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा फ्राई होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल देते हैं, यानी कि नमक। यहाँ पे मैंने 3/4 टीस्पून सेजवान सॉस लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। डालकर इसे थोड़ा फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने 1 मैगी पैकेट के लिए 1 मैगी पैकेट मसाला डाल दिया और 1 ग्लास पानी। इन सबको अच्छे से मिला लें। मैगी डालकर मैगी को कुक कर लें। मैगी को आप 3/4 ही कुक करें। पानी ड्राई होने के बाद मैगी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे, ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करके इसे अच्छी तरह से प्रेस करके रोल कर देंगे। तो आप इसे रोल करके इसमें आप मैगी जो बनाया है वो डाल दें, और आपके पास जो भी चीज़ है घर पर उसे आप उससे फिल कर दें। यहाँ मैंने एक पेस्ट बनाया है जो कि मैदे और पानी से घोल से मैंने बनाया है, उसे मैं ब्रेड के कॉर्नर्स पर लगा दूँगी और इसको मैं बंद कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। तो कॉर्नर्स को प्रेस करके बंद कर दें। देखिए पॉकेट्स रेडी हैं। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो ऑयल को मीडियम लो पे ही रखें और हल्का गर्म होते ही आप एक एक करके पॉकेट्स को ऑयल में डाल दें। दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने से आप क्या करें, जितना स्पेस है आप उतना ही डालें, ताकि आपको ईजी हो, पलटने में ईजी हो जाता है। तो इसे आप मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर दें। हमारा चीज़ी मैगी पॉकेट्स रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी लगता है और अंदर से पूरा चीज़ फिल्ड है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप इसे गरम गरम सर्व करें। तो यहाँ पे मैंने स्वीट चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी सॉस या चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप घर पर ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आप जहां कहीं भी हों स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।